Pichu. Piririna. दुस्साहसी, निर्लज, साहस कैसे हुआ स्पर्श करने का? नहीं नहीं, हाँ हम तो वो मच्छर? तुमने हमें मच्छर कहा? आपको नहीं, अभी तो आपके सिर पे मच्छर बैठा था ना, उसी को कहा कि साहस कैसे हुआ आपको स्पर्श करने का। अच्छा, वैसे एक बात कहें? दो बात कहो। आपकी जो चोटी है ना, हमें सदा से अति प्रिय है, किंतु यदि ये सफेद की जगह काली होती तो और भी आकर्षक लगती, किंतु अब आप भी क्या कर सकते हैं, ना ही इस चोटी को सफेद होने से रोक सकते हैं और ना ही बढ़ती आयु को। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पंडित रामाकृष्ण से उस चिर यौवन वाली जड़ बूटी प्राप्त करके ही रहेंगे, किंतु उसके लिए हमें उस पहेली का उत्तर ज्ञात होना चाहिए, ताकि वो बताकर हम पंडित रामाकृष्ण से उस जड़ी बूटी के बारे में पता कर लें। किंतु पहेली का उत्तर कैसे ढूंढें? हमने सुना है कि पहेलियां बूझने में तुम निपुण हो, तो हम एक पहेली पूछते हैं, उसे बूझ के देखा। पहेली है, पितृ प्रेम का है अभिलाषी, दूर देश का है ये वासी, अमर पथिक स्वयं, हटके हुओं को कराए पथ का चयन, विद्वान सत्य ही खोजे जो, उत्तर में ही उत्तर समाया है। इसका उत्तर तो उत्तर में ही मिलेगा, अर्थात महल के उत्तर में मिलेगा। अच्छा, किंतु महल के उत्तर में तो खंडर है। कदाचित खंडर में ही उत्तर छुपा हो। उत्तर का तो ज्ञात नहीं, किंतु अनेकों रहस्य अवश्य छिपे हैं उस खंडर में। कोई बात नहीं, अब जब बात चोटी के सफेद बालों पर आन पड़ी है, तो हम उस खंडर में जाकर रहेंगे, अवश्य जाकर रहेंगे। ये हंस कौन रहा है? क्या गुरु जी, आप तो वैसे ही बूढ़े हो चले हो, किंतु हम तो अभी युवा है, हमारे प्राण क्यों संकट में डाल रहे हो? चुप रहो तुम दोनों, चुपचाप वही करो जो हम कह रहे हैं, अन्यथा दरबार से निकलवा देंगे। गुरु जी, मैंने सुने इस खंडर की चुड़ैल उल्टा लटका के मारती है। अच्छा, चुप चुप तुम भय के हमारे हमारी सांसें अटक रही है, हमें और भयभीत मत करो। ये पायल किसने पहनी? पायल की गुरु जी, मैंने ये भी सुना है कि चुड़ैल पायल भी पहनती है। गुरु जी, चुड़ैल तो ऐसी हो जा रही है। गुरु जी मैंने ये भी सुना है कि चुड़ैल सबसे पहले ना बुद्धों को पकड़ती है, वो भी छोटी से। कोई तो है वहां? मर गए मर गए मर गए। ये पत्थर कौन मार रहा है?
गुरुजी, मैंने सुना है कि चुड़ैल पत्थर मारते हैं। चुप चुप रहो मूर्ख। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो पहेली का उत्तर ढूंढने आए। और आप? मैं? ओ। भोजन पचाने के लिए मैं तो बस यूं घूमते घूमते चला आया। वैसे आप समय नष्ट ना करें, शीघ्र अति शीघ्र पहेली का उत्तर ढूंढ लीजिए। यदि आप पहेली का उत्तर ढूंढ लेंगे ना, तो विजयनगर के इतिहास के पन्नों में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, है ना? आपका नाम विजयनगर के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। यदि चुड़ैल मिल गई तो नाम और प्राण दोनों मिट जाएंगे। तो पहली आपसे पूछी गई, उत्तर भी आप ही दीजिए। वो मुझे ज्ञात है, तो फिर आप यहाँ पहली का उत्तर ढूंढने क्यों आए? पंडित रामकृष्ण, मत बोलो, हम विजयनगर के राजगुरु हैं। आपका तो साहस कैसे हुआ हमसे प्रश्न करने का? वर, इस समय प्रश्न विजयनगर के मान सम्मान और अस्तित्व का है, और आप पीठ दिखा रहे हैं। उचित है, अब तो लगता है कि मुझे ही खंडहर में जाना होगा। आप मत चाहिए, अगर आप चले गए और आपको कुछ हो गया तो भास्कर का क्या होगा? वो वैसे भी उपद्रवी हो गया है, बहुत बिगड़ गया है वो। मेरे पुत्र के विषय में मेरे समक्ष उसकी बुराई कर रही हो, निर्लज्ज कहीं की। क्षमा क्षमा करना, क्षमा करना। रुकी, गुरुजी मंत्रों की शक्ति से जला दीजिए। चुप मूर्ख कहीं के। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण ये ले लीजिए। देखिए, ये हमने आपको जला कर दी है, तो चाहते चाहते आप हमें उस जड़ी बूटी के विषय में बता दीजिए ना। यदि आपको कुछ हो गया तो आपके साथ साथ उस जड़ी बूटी का नाम भी मिट जाएगा, लोगों को लाभ हो जाएगा। हाँ, हम तो लोगों के लाभ की बात कर रहे हैं। हाँ, जाइए। ये सब क्या है? तुम्हें धन इस बात के लिए दिया जाता है कि तुम चुड़ैलों की भांति हंसती रहो, जिसके कारण मनुष्य इस गुफा के पास आने से भी घबराए। तुम ऐसे कैसे हंस रही हो? ध्वनि बढ़ाओ अपनी। यानी कि खंडहर में चुड़ैल वाली बात मिथ्या है। अंदर जाकर देखता हूँ। ये क्या, यहाँ तो हथियार बन रहे हैं। शीघ्र शस्त्र बनाओ, समय बहुत कम है। समय का भी क्या खेल है, विजयनगर के विध्वंस के लिए बनाए जाने वाले शस्त्र स्वयं विजयनगर में बनाए जा रहे हैं।
कौन हो तुम? कौन हो तुम जो विजयनगर के विध्वंस की तैयारी यहां कर रही हो? पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो और बताओ कौन हो तुम? पंडित रामाकृष्ण। ये तो वही है जिसे मैंने कैकाला के साथ देखा था, किंतु ये यहाँ क्या कर रही है? अवश्य ये मुझे मेरे बापू तक पहुंचा सकती है। कौन हो तुम? पंडित रामाकृष्णा जैसे ज्ञानी के हाथ में पुस्तक या लेखनी शोभा देती है, तलवार नहीं। इसे क्या पता कि मैं बापू नहीं भास्कर हूँ, जिसे गुरुकुल में शस्त्र विद्या भी सिखाई गई है, जो आज काम आएगी। अपने बुद्धि के धार से वार करने वाले आज तलवार का सहारा लेंगे। कभी कभी जो कार्य बुद्धि के अस्त्र से नहीं होते वो शस्त्र से हो जाते हैं। समय व्यर्थ मत करो और अपने मुख पर पड़े इस आवरण को हटाओ, ताकि मैं भी देख सकूं कि इस आवरण के पीछे वो कौन सा चेहरा है जो विजयनगर का विध्वंस चाहता है। कितनी भयावह ध्वनि है। गुरुवर, आप शिवजी से सहायता क्यों नहीं मांग लेते? आप तो सीधा वार्तालाप करते हैं ना उनसे। कब करते हैं? हाँ हाँ करते तो हैं। हमारा तो सीधा संपर्क है उनसे। अभी संपर्क हुआ था, शिवजी मिले, पर उन्होंने कहा कि अभी हम व्यस्त हैं, बाद में आओ। हाँ अरे अरे अरे, क्या हुआ ये? पंडित रामाकृष्णा जी, अब ना तो आपकी बुद्धि की धार काम आएगी, ना कोई तलवार, ना मस्तिष्क का अस्त्र काम आएगा, ना कोई शस्त्र। अब क्या करेंगे आप? इनके आभूषण उतार दो। ये मेरा हार उतार कर करना क्या चाहती है? इसके कुटिल मस्तिष्क में कौन सा खेल चल रहा है? कुकड़ू कू, मुर्गी की बांग, इतनी रात्रि को कहां से आ रही है ध्वनि? कृष्ण जी क्या आभूषण है ये? जिसका भाई था वही हो क्या? पंडित रामाकृष्ण को चुड़ैल ने मुर्गा बना दिया। हे भगवान, अब मैं शारदा अम्मा को क्या उत्तर दूंगी? अरे उत्तर क्या देना है, जाकर कह देना कि पंडित रामाकृष्ण नहीं रहे, वो मुर्गा रामा बन गए हैं। हे भगवान, अब पंडित रामाकृष्ण तो मुर्गा बन गए, अब दरबार में पहेली का उत्तर कौन देगा? ये मुर्गा और कैसे कुकड़ू 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 को? अब क्या हुआ कि कोई भी मनुष्य इस खंडहर में आकर वापस क्यों नहीं जाता था? यहाँ कोई प्रेतात्मा नहीं है, अभी तो तुम सब यहाँ अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हो। प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी को ज्ञात है कि आप कितने बुद्धिमान है पंडित रामाकृष्णा जी। इसे मैंने कैकाला के साथ देखा था, इसका अर्थ ये हुआ कि ये तैयारी विजयनगर पे धावा बोलने की हो रही है और इस षड्यंत्र के भागीदार कैकाला भी हैं। यदि हम चाहे तो हम आपके प्राण अभी ले सकते हैं, किंतु हम ऐसा करेंगे नहीं।
अज्ञात है। क्यों? क्योंकि आपके प्राण तो विजयनगर की प्रजा ही लेगी, जो आपकी जय जयकार करते थकते नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कल तक हम यहाँ आपको बंदी बनाकर रखेंगे, ताकि आप कल राज दरबार पहुँच न सके। कल जब आप राज दरबार नहीं पहुँचेंगे और राजकुमारी के पूछे गए उस पहेली का जवाब नहीं देंगे, और ऐसे में विजयनगर के प्रजा आपको देशद्रोही समझेंगे और पत्थर मार मार कर वो आपके प्राण ले लेंगे। मैं तुम लोगों का षड्यंत्र कभी सफल नहीं होने दूंगा। यदि आप इस खंडर में आने के स्थान पर उस पहेली को बुझने के बारे में विचार करते ना, तो विजयनगर की भी रक्षा हो जाती और आपकी प्राणों की भी। वैसे अचंभे की बात यह है कि उस पहेली और इस खंडर की कथा मिलती जुलती। क्या थी वो पहली पंक्ति? हाँ, पितृ प्रेम का था अभिलाषी। था कोई लड़का जो अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करता था। वो अपने पिता को ढूंढते हुए इस खंडर में आया। तब तो वो जीवित था, किंतु यहाँ से जीवित वो वापस नहीं लौट सका। अच्छा पंडित रामकृष्ण जी, अब हम यहाँ से जाने की अनुमति लेते हैं। अत्यधिक चतुर है ये, इन्हें अच्छे से बांधना, और हाँ, कल राज दरबार के समय के पश्चात ही इन्हें मुक्त करना, ताकि विजयनगर की प्रजा इनके प्राणों को इनके देह से मुक्त कर दे। इसको राज दरबार में हुई घटना और होने वाली घटनाओं के विषय में सब ज्ञात कैसे है, और ये है कौन? भास्कर, ये बाद में विचार करना, अभी ये विचार कर कि यहाँ से बचकर कैसे निकलेगा। हे माँ, मेरे भास्कर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उसकी रक्षा करना माँ। बस को और कितना दाना खिलाओगी पंडित रामकृष्ण को? सुबह से 5 मुट्ठी डाल चुकी हूँ, पेट खराब हो जाएगा। क्या भाग्य खराब हो गया और आपको पेट की पड़ी है? शांत 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 कांता, शारदा देवी को तो बताना पड़ेगा ना कि उनका पति है, पति नहीं अब मनुष्य नहीं रहा, मुर्गा बन गया है। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये साहस नहीं हो पाएगा, थोड़ा और साहस इकट्ठा करना होगा। हे भगवान, तुम्हारे साहस के चक्कर में रात्रि से प्रातः हो गई, अब तो बताना ही होगा। तो ठीक है, पहले हम भास्कर को बताएंगे ताकि वो शारदा अम्मा को संभाल सके। ठीक है, आओ। सूर्य उदय हो गया किंतु अब तक भास्कर वापस नहीं आया। हे काली माँ, उस भयानक खंडर में उसकी रक्षा करना, उसे सुरक्षित घर वापस पहुंचा देना। शारदा अम्मा का सामना कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, हर समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है। पंडित रामकृष्ण जी, किंतु शारदा अम्मा, पहले आप ये बताओ कि भास्कर कहाँ है? क्या कहा? भास्कर छत पर है। वेंकटेश्वरा! अरे भास्कर महल गया है अवश्य कार्य से। अच्छा अच्छा, भास्कर महल गया है। अच्छा, किंतु तू बता कि पंडित रामकृष्ण जी कहाँ है, और वो ठीक तो है ना? हाँ, पंडित रामकृष्ण ठीक है, आराम से दाना चुग रहे हैं। शारदा अम्मा, वो ठीक है, बस थोड़ा सा रंग रूप परिवर्तित हो गया। हाँ, अधिक परिवर्तित नहीं हुए हैं, अभी भी उनके दो कान हैं, दो नेत्र हैं, एक नाक है, दो पैर हैं, बस वो हाथ नहीं। जो उनके हाथ हैं वो पंख में परिवर्तित हो गए हैं। और हाँ, पंडित रामकृष्णा इतने थे, अब इतने से हो गए हैं। पंडित रामकृष्णा अभी पंडित रामकृष्णा नहीं रहे, वो मुर्गा कामा हो गए हैं। ये पकड़ो पकड़ो, ये देखो, ये देखो, ये ओ तेरी, ये तो भोर हो गई, राज दरबार की कार्यवाही प्रारंभ होने वाली होगी। यदि मैंने दरबार पहुंचकर राजकुमारी की पहेली का उत्तर नहीं दिया तो मुझे राजद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। क्या करूं, कैसे निकलूं यहां से?